सो हेलो गाइस, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट का वन चर्क वाला सर्वाइवल वर्ल्ड। इसका डाउनलोड लिंक नीचे पिन कमेंट सेक्शन में है, वो भी मीडिया फाइल लिंक के साथ। तो जिसको भी डाउनलोड करना है नीचे कमेंट पिन सेक्शन चेक कर लेना। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वर्ल्ड को डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आप जैसे ही वर्ल्ड क्रिएट करते हो सीधे आप स्पॉन हो जाओगे यहाँ पर। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये वन चंक वाला कैसा है। तो चलो मैं इसे एक्सप्लोर कर लेता हूँ। सबसे पहले सामने मुझे एक विलेज का हाउस दिख रहा है, विलेजर का। तो चलो मैं देखता हूँ विलेजर के हाउस में क्या है। तो मैं विलेजर के हाउस में जाने का रास्ता खोल लेता हूँ सबसे पहले। अरे भाई, रास्ता जाने का मिल नहीं रहा मुझे गाइस। तो रुको, मैं बस थोड़ा देर आपको विलेजर हाउस का रास्ता खोज के तब मिलता हूँ। चलो ऊपर से देखते हैं विलेजर का हाउस कैसा दिखता है। तो मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ विलेजर का। अरे भाई, ये क्या हो गया। चलो मजाक से हट के अब मैं आपको सिनेमैटिक शॉट में दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है विलेजर का हाउस। तो देख लो, ये आधा टूटा हुआ विलेजर का हाउस है। इसमें दो बेड है बट एक ही विलेजर है। लेकिन आप इसको देखो, सिर्फ ये वन चक में वर्ल्ड है। अगर आप इसको सर्वाइवल सीरीज बनाते हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इसके ऊपर सर्वाइवल सीरीज बनाओ, आपको बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। आपको इसके ऊपर वीडियो बना देना चाहिए जरूर। और मैं आपको अब चलो स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको वन चक के नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलता है जिसमें एक आई ऑफेंडर लगा हुआ है। मतलब किस्मत मेरा बहुत फूटा है। आप में देखते कितना आई ऑफेंडर लगा होगा। और इसमें आपको डायमंड्स भी मिल सकते हैं बहुत सारे। तो चलो मैं आपको नेदर में दिखा देता हूँ कि नेदर में यहाँ पे कैसा होता है। तो चलो मैं नेदर पोर्टल बना के उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो मैंने नेदर पोर्टल बना लिया है। अब चलो मैं आपको नेदर का लुक भी दिखा देता हूँ। तो नेदर में आप सीधे स्पॉन हो गए फोर्ट्रेस पे। और ये फोर्ट्रेस भी वन चंक वाला है, जैसे कि मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स पे दिखा देता हूँ। तो चलो मैं आपको ओवरवर्ल्ड में जाकर एंड का भी दिखा सकता हूँ कि एंड में क्या क्या होता है। क्या एंड में भी वन चंक होगा? आप कमेंट में जल्दी बता दो। चलो देखते हैं एंड में अब क्या होगा। चलो मैं जल्दी से आई ऑफेंडर ले लेता हूँ, उसके बाद जाके एंड में लगाता हूँ। तो मैंने आई ऑफेंडर ले लिया है। अब मैं नीचे जाके लगा के पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ। तो जल्दी जल्दी चलो मैं एंड पोर्टल में लगा लेता हूँ आई ऑफेंडर को और एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता हूँ। और ये अपना एंड पोर्टल एक्टिवेट हो गया। चलो एंड में चलते हैं जल्दी से। एंड में पहुंच कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो एंड में पहुंच चुका हूँ, लेकिन नहीं, एंड वन चंक वाला नहीं है। एंड आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है, जैसे कि नॉर्मल वर्ड्स में होता है। तो मतलब एकदम सिंपल सा एंड है, जैसे कि आपको पता ही होगा कैसे होता है। यहाँ पे भी एंड ड्रैगन है नॉर्मल सा। और आपको अगर ये वाली वीडियो देख कर कुछ भी मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका डाउनलोड लिंक नीचे पिन कमेंट सेक्शन में। बाय।